हर कोई जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, योगी आदित्यनाथ का धमाका होगा या अखिलेश का शंखनाद बजेगा, हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम करेंगे कुंडली विश्लेषण कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली कैसी है, क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या इस बार सत्ता में अखिलेश फिर से वापसी करेंगे और अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। तो चलिए कुंडली विश्लेषण करते हैं कि दोनों में से किसकी कुंडली में है फिर से मुख्यमंत्री बनने का योग, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश। तो पहले विश्लेषण करेंगे हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है वह है 5 जून 1972 को सुबह 10:54 पे योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ और इनकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की। और इस वक्त इनको इनकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इस वक्त जो इनको दशा चल रही है वह है बृहस्पति की, केतु में बृहस्पति। केतु इनके द्वादशेश हैं, 12वें घर में बैठे हैं और बृहस्पति इनके पंचम घर में बैठे हैं। पंचम घर पुत्र का घर, वाणी का घर। और पंचम घर से कहां कहां देख रहे हैं पंचम घर में बैठ के, भाग्य के घर में। पंचम घर से भाग्य के घर के अलावा और कहां देख रहे हैं, लग्न में। बृहस्पति जिसके कारक हों, बृहस्पति जिसकी कुंडली में सही जगह पर बैठे हों और सही जगह पर देख रहे हों, उसको बड़े बड़े विरोधी भी जो हैं कुछ नहीं उखाड़ सकते। धूल चटा देता है वह व्यक्ति अपने बड़े से बड़े विरोधियों को भी। और इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ की दशा चल रही है और जो चलेगी 2022 के 10वें महीने की 18 डेट तक, वह इनके आगे किसी को भी धूल चाटने पर मजबूर कर देगी। इस वक्त योगी आदित्यनाथ की कुंडली में जीवन की सबसे सर्वोत्तम और बहुत लाजवाब दशा चल रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की कुंडली के अनुसार इन्हें केतु में बृहस्पति की दशा चल रही है और केतु कर्क राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति को देख रहा है। बृहस्पति जो है वह अपने आप में शुभ ग्रह हैं और सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं और ऊपर से केतु देख रहा है। एक संस्कृत में श्लोक है, कुजवत केतु शनिवत राहु, कि केतु जो है वह मंगल का फल करता है अगर अकेला बैठा हो, और जो राहु है वह शनि का फल करता है अगर अकेला बैठा हो। और केतु जब भी 12वें घर में बैठता है उसे सबसे सफलतम माना जाता है। केतु का 12वें घर में बैठना आपको सन्यासी मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। केतु आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देता है। केतु आपको इतिहास में नाम दिलाता है। और ये केतु तो बृहस्पति को देख रहा है और ऊपर से दशा भी चल रही है केतु में बृहस्पति की। तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की कुंडली के अनुसार इन्हें अभी कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है और इनकी जीत धुआंधार होगी। अब देखते हैं हम अखिलेश यादव की, क्या उनमें भी ऐसा ही राजयोग है, क्या वह भी जीत पाएंगे, उनसे कंपेयर करेंगे। तो आदित्यनाथ जी के बाद बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की कुंडली है 1 जुलाई 1973 की और लग्न है कर्क। और इस कुंडली में अखिलेश यादव को जो दशा चल रही है वह है केतु में सूर्य की। 26 फरवरी के बाद अखिलेश यादव को दशा चलेगी चंद्र की। 26 फरवरी तक यूपी के बहुत सारे हिस्सों में चुनाव हो चुका होगा, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लग्नेश की दशा है इसीलिए फायदा देगी। लेकिन अखिलेश यादव की कुंडली भी एक मजबूत कुंडली है, एक अच्छी कुंडली है, लेकिन क्या ये योगी आदित्यनाथ से कंपेयर की जा सकती है? तो योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली थी वह सिंह लग्न की थी। सिंह लग्न कर्क लग्न से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा पावरफुल है, पहली बात। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को जो दशा चल रही है वह एक कारक ग्रह की चल रही है, बृहस्पति की, जो पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक है लेकिन सूर्य का मित्र है, सबसे बड़ी बात। और बैठा हुआ पंचम भाव में और भाग्य भाव को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, एकादश को देख रहा है। और अखिलेश को जो दशा चल रही है वह है सूर्य केतु में सूर्य की और सूर्य बैठा हुआ है द्वादश में।
लाभ घर का मालिक बारहवें घर में बैठा हुआ है जो अच्छा कभी नहीं होता। और उसके बाद सूर्य, शुक्र, केतु और चंद्र, लग्नेश भी वहीं बैठा है। और लग्नेश वहां बैठा जब सूर्य के साथ चंद्र, तो इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव का जन्म अमावस्या वाले दिन हुआ था। और अमावस्या वाले दिन जिनका जन्म होता है उन पर कोई ना कोई दोष जरूर लगता है, कोई ना कोई आरोप जरूर लगता है। जैसे देखिए अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा कि इन्होंने टोटी चोरी करी, की ना की, लेकिन आरोप तो लगा ना। व्यक्ति एक बार कलंकित जरूर होता है। तो अखिलेश यादव को इस वक्त तो सही दशा नहीं चल रही, लेकिन इसके बाद चंद्र की दशा चलेगी जिसमें इनके अनुकूल माहौल बनेगा, इनकी ख्याति बड़ी होगी, लेकिन फिर भी ये योगी आदित्यनाथ को फिलहाल टक्कर नहीं दे पाएंगे। और इन दोनों की कुंडली मिलाकर देखी जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार जीत होने वाली है। कुंडलियों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव इस वक्त जो फाइट में हैं, वह फाइट में तो रहेंगे, सेकंड नंबर पर और तो कोई है नहीं, लेकिन योगी से जीत बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। ग्रहों के मुताबिक अगर यह ग्रह जिनका विश्लेषण मैंने किया है, अगर यह सच में सत्य में यह कुंडली जो हमने गूगल से निकाली है, जो हर जगह पर प्रचार हो रही है, जो चल रही है, अगर यह सत्य और तथ्य से प्रमाणित है, यही ग्रह, यही कैलकुलेशन, यही समय है, तो 100% योगी आदित्यनाथ विजयी होंगे फिर से, और योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप आगे की बात कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या आगे अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, क्या ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ को 2024 में 24/11/2024 से 24/3/2028 तक शुक्र में शुक्र की दशा चलेगी। सिंह लग्न में शुक्र उतना कारक ग्रह है नहीं, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को थोड़ी समस्याएं आएंगी, तो शायद केंद्र में यह अभी न जा पाए, या जाए तो वहां उतने सफल 2028 तक न हो। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ इस वक्त फिर से विजयी होंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अखिलेश यादव जो हैं उनकी कुंडली भी अच्छी है, वह भी फ्यूचर में शायद मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अभी योगी के मुकाबले में वह कहीं भी नहीं ठहरते, कहीं भी नहीं टिकते। इन दोनों की कुंडली का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइएगा आपको किसी और व्यक्ति की, किसी और शख्स की कुंडली दिखानी है तो हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। अपने कमेंट में हमें बताइए कि आपको किसकी विश्लेषण, किस व्यक्ति की, किस शख्स की कुंडली जो है अच्छी लगती है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम उसका विश्लेषण करें। अखंड मंथन में आज इतना ही। धन्यवाद।